हे गाइस, बात करें आशीष सिंह के बारे में। आशीष सिंह की अगर बात करी जाए तो बैक टू बैक वो शोज़ करती रही हैं और हर एक शो में डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करती हुई नज़र आई हैं। सो अपने इस अंदाज के लिए ही वो जानी जाती हैं। उनके हर एक कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और जितने भी एक्टर्स अभी तक उनके अपोजिट नज़र आए हैं सभी के साथ उनकी जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। बात करें जब सिद्धार्थ निगम के अपोजिट नज़र आई थी आश्विन के कैरेक्टर में, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और जोड़ी तो वैसे भी पसंद नहीं करी जाएगी, पर ईज़िली फैंस ने उन्हें बहुत ईजिली एक्सेप्ट किया यास्मीन के कैरेक्टर में जब अवनीत की रिप्लेसमेंट होती है उसके बाद आशी नज़र आती हैं तब। और वहीं अगर हम बात करें उनके मीत शो की, तो यहाँ पर भी वो अपने किए गए कैरेक्टर से डिफरेंट प्ले करती हुई नज़र आई। एक पूरी तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर था, पूरी तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज थी। और इसके अलावा बात करें तो समीर और नैना के कैरेक्टर में एक 90s के दशक की लव स्टोरी थी, वहाँ पर एक 90s के दशक की लड़की का कैरेक्टर प्ले करती हुई नज़र आई, तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वो प्ले करती हुई अभी तक नज़र आई हैं। फैंस एक्साइटेड रहे हैं हमेशा उनको देखने के लिए, यही वजह है डिमांड चल रही है सीज़न 2 को लेकर। अभी देखना यह है कि किस तरीके से शो का सीज़न 2 आएगा। उनके ये उन दिनों की बात है शो का, इस तरीके शो की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। मीत शो के सीज़न 2 की बात करें तो फिलहाल इतनी जल्दी शो का सीज़न 2 तो नहीं आने वाला है, उम्मीद करी जा सकती है। ये उन दिनों की बात है शो के सीज़न 2 को लेकर। रणदीप का भी कोई फिलहाल प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, सो यही वजह है कि रणदीप राय को लेकर भी बातें आ रही हैं सामने कि अगर अभी मेकर्स कास्ट करना चाहें तो ये दोनों को ही बहुत ईजिली कास्ट किया जा सकता है। अब मेकर्स पर डिपेंड करता है कि ये शो सीज़न 2 आपको देखने को मिलेगा या फिर अदर तरीके से, मतलब कोई सॉन्ग के जरिए या वेब सीरीज़ के जरिए इन दोनों की जोड़ी देखने को मिल पाएगी। हालांकि आशी के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें सामने आ रही हैं, आने वाले वक्त में क्लियर होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा कि वो किस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट प्ले करती हुई नज़र आएंगी। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप आशीष सिंह के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर। हालांकि माइथो शो में अभी तक देखने को नहीं मिली है, सो फैंस ज़रूर चाहेंगे कि एक बार माइथो शो ज़रूर प्ले करें। सो बताइएगा कमेंट करके एक्साइटमेंट। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।